so let's talk about a few of the properties related to the arithmetic progression so here's the first property if a constant is added or subtracted from each term of an ap then the resulting sequence is also an ap with the same common difference is aise example get or ap an AP 2 4 6 8 10 ap common difference 2 correct so agarma maan lijiye सभी के अंदर में वन वन ऐड कर दे रहा हूं टू प्लस वन फोर प्लस वन सिक्स प्लस वन एट प्लस वन या फिर टेन प्लस वन अब ध्यान से देखें ये बना थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन तो ये एक एपी वही की वही तो रही दिस एपी रिमेन ए पी वही रही मतलब कहने का एपी तो चेंज हुई लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वह टू ही तो रहा सो कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम और इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन सब के अंदर में से ये तो मैंने एडिशन की बात करी और अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूंगा सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा टू माइनस वन फोर माइनस वन सिक्स माइनस वन एट माइनस वन टेन माइनस वन मान लीजिए तो ये बना वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो फिर दोबारा ध्यान से देखें जो कॉमन डिफरेंस है इट रिमेन द सेम यानी कि टू

इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां पर बात कि अगर मान लीजिए एक एपी है एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स टॉक ए एपी। अगेन लेट मी टेक द लेटमी टू फोर सिक्स एट टेन दिस इज एन एपी, ठीक तो हमने कहा इस एपी के अंदर में अगर ए की हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी रहेगी और अगर इन सबको मान लीजिए लेट अस से इफ के इज इक्वल टू लेट अस से थ्री ठीक के थ्री है और मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं मैं तो टू इंटू थ्री यानी सिक्स फोर इंटू थ्री विल बी ट्वेल्व सिक्स इंटू थ्री इज एटीन एटीन इंटू थ्री इज ट्वेंटी फोर टेन इंटू थ्री विल बी थर्टी सो इज दिस एन ए पी येस दिस इज एन ए पी नाउ द कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू सिक्स बारह में से घटा दो तो छह आ रहा है अठारह में से बारह घटा दो तो छह आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी इज एक्चुअली और इनिशियली जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना था टू था तो इट इज गिवन एज के डी यू गेटिंग माई पॉइंट सो इट इज टू इन टू थ्री तो रिजल्टिंग सीरीज ए पी में ही रहेगी लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा और नई ए पी का कॉमन डिफरेंस अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो डी की बजाय के डी हो जाएगा करेक्ट और अगर हम इसको अब डिवाइड कर देते हैं डिवाइड से वी डिवाइड बाय के इक्वल टू लेट अस से टू नाउ अब के की वैल्यू टू से हम इसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं तो ठीक है तो न्यू ए पी जो बनेगी वो क्या बनेगी या न्यू सीरीज बनेगी वो टू डिवाइडेड बाय टू विल बी वन दिस विल बी टू दिस विल बी थ्री दिस विल बी फोर दिस विल बी फाइव सो येस वो एक ए पी बना ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं न्यू ए पी और जो कॉमन डिफरेंस है वो बनेगा कितना वन आएगा और अब आप ध्यान से देखें कॉमन डिफरेंस विल बी टू डिवाइडेड बाई टू यू गेटिंग माई पॉइंट विच विल बी कमिंग आउट टू बी वन तो यही कहा गया है यहां पर कि अगर डिफरेंस डी था पहले तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कॉमन डिफरेंस के इन डी हो जाएगा और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो जिस यानी कहने का मतलब ऊपर पहले मल्टीप्लीकेशन हो गया अब वो डिवीजन हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय के आ जाएगा तो इट इज विजिबल बाय दीज एग्जांपल्स आई हैव टेकन राइट और ऐसा ही प्रूव किया जा सकता है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी अगर मैं लूँ उनके थ्रू भी के से मल्टीप्लाई के से डिवाइड करूँगा तो वैसे भी शो किया जा सकता है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर इजीली आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ वाई आर सम नंबर्स रादर देन टेकिंग द वैल्यू ए प्लस डी ए प्लस टू डी करेक्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री द थ्री नंबर्स अगर एपी में ए बी सी तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बी माइनस ए जो है वो सी माइनस बी के विकल होगा यानी टू बी विल बीवल टू ए प्लस सी सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फाइनाइट ए पी द सम ऑफ द टर्म इक्वेस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज द सेम एंड इज इक्वल टू द समर्स्ट एंड द लास्ट टर्म यही तो प्रॉपर्टी थी जो फ्रेडरिक कार्लगॉस्ट ने यूज की थी क्या ध्यान से देखिए एस में अगर वन टू थ्री फोर अपटिल दिस इज नाइंटी नाइन एंड दिस इज हंड्रेड करेक्ट इसी को अगर उल्टा करके ऐड कर रहे थे तो यहां पर हंड्रेड यहां पर नाइनटी नाइन लिया था एंड इट ऑन अपटिल फिर यहां क्या लिया था यहां लिया था टू और यहां लिया था वन अब ध्यान से देखो क्या लिया गया सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इक्वी डिस्टेंट अरे भाई शुरू से पहली और आखिरी से पहली तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज उन दोनों का जो सम है वो वन जीरो तो लिखा है सम ऑफ द टर्म्स इक्वे डिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम अब सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म को ऐड करो दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी वन जीरो वन और इसी तरह थ्री और आप 98 को ऐड करोगे दैट इज आल्सो कमिंग आउट टू क्या जीरो गया था डिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड इट इज सेम एंड इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म येस ये वन जीरो भी आ रहा है ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है यानी आप ऐसा भी समझ सकते हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी एंड इट गोजन अपटेल क्या प्लस एन माइनस टू ऑफ डी एंड प्लस ए प्लस एन माइनस का आखिरी टर्म यानी पीछे से फर्स्ट टर्म इनका एडिशन विल भी इक्वल टू द सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म और इन सब का जो एडिशन होगा वो हमेशा किसके प्लस ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी that will be equal to 2a plus n minus 1 of t which is equal to the written here sum of the first term and the last term right so here is the question related to the properties of ap the question is if a square b square and c square are in ap then we got to prove that this 1 by b plus c 1 by c plus a 1 by a plus b are also in ap so okay ये एपी में दिए गए हैं तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वीस एपी की कंडीशन यही होती है इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी दिस कैन बी रिटर्न करेक्ट तो अब तो आगे इसमें क्या फर्दर अप्रोच करें अब देखो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास यहां तक अब हमने ये दिस इज द गिवन थिंग टू अस अब नाउ वी गॉट टू प्रूव इज दैट दीज क्वांटिटीज़ आर इन एपी